بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة عن أنس رضي الله تعالى عنه قال ما أكل النبي صلى الله عليه وسلم على خوان ولا سكوجة ولا خبز له مرقق فقلت لقتادة رضي الله تعالى عنه فعلى ما كانوا يأكلون قال على هذه السفر أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بزرگوں اور عزیز نوجوانوں, अल्लाह ने जो दीन हमें बख्शा है उस दीन के पांच शोबे अगर हम पांचों शोबों पर कमा हक कहू अमल करेंगे तो हमारा दीन कामिल बनेगा, और अगर किसी एक शोबे को भी छोड़ देंगे या छोड़ेंगे तो नहीं, लेकिन कमा हक कहू जैसा अमल उस पर होना चाहिए ऐसा अमल नहीं करेंगे तो हमारा दीन कामिल नहीं बनेगा, हमारा दीन नाकिस कहलाएगा। अल्लाह ने जो दीन हमें बख्शा है उस दीन के पांच शोबे क्या हैं? नंबर एक, पहला शोबा है अकाइद की दुरुस्तगी। दूसरा शोबा है इबादात की दुरुस्तगी। तीसरा शोबा है मामलात की दुरुस्तगी। और चौथा शोबा है अखलाक की दुरुस्तगी। और पांचवा शोबा है मुआशरत की दुरुस्तगी। ये पांच शोबे हैं, इन पांचों शोबों पर अगर हम कमा हक कहू शरीयत जैसा चाहती है इस तरह अगर हम इन पांचों शोबों पर अमल करेंगे तो हमारा दीन कामिल बनेगा। और अगर हम एक शोबे को लेकर के बैठ जाएं, दो शोबों पर हमारा अमल हो बकिया शोबों पर हमारा अमल ना हो तो हमारा दीन कामिल नहीं कहलाएगा, हमारा दीन नाकिस कहलाएगा। मोहतरम बुजुर्गों, दीन का जो सबसे पहला शोबा है वो है अकीदे की दुरुस्तगी। दीन का जो सबसे पहला और सबसे अहम जो शोबा है वो है अकाइद की दुरुस्तगी। अकीदा बुनियादी चीज है, अकीदा दुरुस्त होगा तो अल्लाह के यहां तुम्हारा अमल काबिल कबूल बनेगा। और अगर तुम्हारा अकीदा ही दुरुस्त नहीं तो फिर नमाजें पढ़ते रहो, रोजे रखते रहो, ज़कातें देते रहो,
हज करते रहो, तुम्हारा कोई अमल अल्लाह के यहां मकबूल नहीं होगा, इसलिए कि तुम्हारा अकीदा ही सही नहीं। अकीदा बुनियादी चीज है। अगर अकीदा सही है तो अमल अल्लाह के यहां मकबूल होगा, और अगर अकीदा ही सही नहीं तो अकीदे की दुरुस्तगी के बगैर कोई अमल अल्लाह के यहां मकबूल नहीं बनता। लिहाजा पहला शोबा जो सबसे अहम है वो ये है कि आदमी अपने अकायद को दुरुस्त रखे। दूसरा शोबा जो है वो है इबादात की दुरुस्तगी। अल्लाह ने चार इबादतें हम पर फर्ज की हैं, नमाज, रोजा, जकात, हज। अल्लाह ने चार इबादतें हम पर फर्ज की हैं। हर चीज सीखनी पड़ती है, सीखे बगैर कोई चीज नहीं आती। एक छोटा बच्चा होता है वो अरसन जो है पहले साइकिल सीखता है, तब जाकर के साइकिल चलाना उसको आता है। एक साइकिल जैसी चीज भी सीखे बगैर नहीं आती। तो नमाज तो बड़ी चीज है, कैसे सीखे बगैर? नमाज को भी सीखना पड़ता है। नमाज किस तरह पढ़नी है सीखना पड़ता है। लिहाजा उठ बैठ का नाम नमाज नहीं है। अरब समझे जो है हम आ गए मस्जिद में, अरब समझे न काबिल अरकान का, अरब समझे ख्याल जल्दी जल्दी रुकू किया, जल्दी जल्दी सजदा किया, न कौमे का ठिकाना, न जलसे का ठिकाना, न रुकू का ठिकाना, न समझे सजदे का ठिकाना, और समझते हैं कि हमने नमाज पढ़ ली है। और समझे के ये नमाज तुम्हारे मुंह पे मार दी जाएगी, और यह नमाज और समझे जो है अल्लाह के यहां मकबूल नहीं है। नमाज को भी सीखना है, हर चीज सीखने से आती है। फिर आप समझे इबादतें बगैर सीखे कैसे आ जाएगी, इसलिए हर चीज को सीखना है। तो दूसरा शोबा है इबादात की दुरुस्तगी। शरीयत जिस तरह चाहती है इस तरह नमाज पढ़नी है, शरीयत जिस तरह चाहती है इस तरह ज़कात देनी है, पाई पाई का हिसाब करके जो है ज़कात। बारह दूसरा शोबा जो है वो है इबादात की दुरुस्तगी, और तीसरा शोबा है मामलात की दुरुस्तगी। हम आपस में लेन देन करते हैं, खरीदो फरोख्त करते हैं, तो ये जो लेन देन के मामलात हैं और ये जो खरीदो फरोख्त के मामलात हैं, ये शरीयत की रोशनी में अगर आप करेंगे तो ये शोबा, इस शोबे पर अमल करने वाले आप कहलाएंगे। और अगर तुम्हारे मामलात खराब हों तो फिर दीन कहां से कामिल हो जाए। मामलात की दुरुस्तगी, सफाई या मामलात निहायत अहम है। हम ये समझते हैं बस नमाज रोजा कर लेना काफी है, और मामलात की दुरुस्तगी जो है इसको हम दीन का शोबा ही नहीं समझते। मामलात की दुरुस्तगी, खरीद व फरोख्त के मामला, लेन देन के मामला, ये मामला शरीयत की रोशनी में होने चाहिए, तब जाकर के आपका दीन आप समझे कामिल बनेगा। और चौथा शोबा अखलाक की दुरुस्तगी। अखलाक की दो किस्में हैं, एक अखलाक हमीदा और एक अखलाक रजीला। अखलाक की दो किस्में, अपने आप को अखलाक हमीदा के साथ, और अखलाक हमीदा का तर्जमा है अच्छे अखलाक। अपने आप को अखलाक हमीदा के साथ यानी अच्छे अखलाक के साथ मुत्तसिफ करना है, और अपने आप को अखलाक रजीला से, बुरे अखलाक से अपने को पाक करना है। तो अखलाक की दुरुस्तगी अरसन जी, आज मुसलमान अखलाक क्या चीज है अरसन जी, इतना मुसलमान बद अखलाक है कि उसे कुछ पता ही नहीं कि अरसन ये भी दिन का कोई शैबा है, दिन का शोबा है। जानवरों की तरह जिंदगी गुजारते हैं अरसन जी जो है, और अखलाक अरसमजे जो है जानती नहीं कि अरसमजे जो है शरीयत किस तरह अरसमजे जो है कैसे अखलाक चाहती है। तो अखलाक की दुरुस्तगी अरसमजे जो है
ये अरसम दिन का एक शोभा है। और नंबर पांच, पांचवा दिन का शोभा है मुआशरत। मुआशरत के माना है जिंदगी गुजारने का तरीका, किस तरह जिंदगी गुजारनी है। जिंदगी गुजारने के तरीके शरीयत ने बतला है, हर चीज का तरीका बतला है। मुआशरत अरबी का लफ्ज है और मुआशरत के माना है जिंदगी गुजारने के तौर तरीके। जिंदगी गुजारने के तौर तरीके, खाना किस तरह खाना है, पानी किस तरह पीना है, बीवी बच्चों के साथ किस तरह पेश आना है, घर में किस तरह रहना है, पड़ोसियों के साथ कैसा सुलूक करना है, कौन सा वो शोबा है कि जिसके मुताबिक शरीयत की रोशनी मौजूद ना। हदीसों में हर चीज अरसमझे मौजूद है, एक एक चीज, खाना किस तरह खाना है हदीसों में मौजूद है, तब से पानी किस तरह पीना है, बीवी बच्चों के साथ किस तरह रहना है, घर में किस तरह रहना है। नबी पाक सल्लम जब घर में आते तो अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से पूछा गया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में आने के बाद क्या करते थे। हज़रत आयशा सिद्दीका से सवाल किया गया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में आने के बाद क्या करते थे, तो हज़रत आयशा सिद्दीका ने जवाब दिया कि नबी पाक सल्लम घर के कामों में हाथ बटाते थे। और हमारा हाल यह है कि जब घर में जाते हैं तो सेठ बन करके कुर्सी पर बैठ जाएंगे, चारपाई पर बैठ जाएंगे और ऑर्डर करेंगे, पानी लाओ, ये लाओ, फला लाओ, जैसे तुम्हारी नौकरानी हो तुम्हारी बीवी। अरे सुन, नबी पाक सल्लम जिनके हम नाम लेवा हैं, नबी पाक सल्लम घर के कामों में हाथ बटाते थे। हजरत आयशा फरमाती नबी पाक सल्लम बकरी का दूध दो लेते थे, घर में बकरी है तो अब अरसल बीवी दूसरा काम कर रही है, बीवी रोटी बना रही है, हजरत आयशा खाना बना रही है, तो नबी पाक सल्लम बकरी का दूध अरसल जी दो लेते थे। नबी पाक सल्लम का कपड़ा अगर फट जाता था तो ये नहीं कि अरसल जी जो है बीवी को दे दें, हजरत आयशा को दे दें, इसको खुद नबी पाक सल्लम सी लेते, अपने हाथ से अरसल जी जो है सी लेते थे। ये जिंदगी गुजारने का तरीका, घर में किस तरह रहना। हज़रत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने पूरी तफसीलात बतलाई हैं, अज़वाजे मुतहरात ने एक एक चीज अरसल की जो है। तो मुआशरत जिंदगी गुजारने का तौर और तरीका, ये हैं पांच शोबे। अकाइद की दुरुस्तगी, इबादात की दुरुस्तगी, मामलात की दुरुस्तगी, अखलाक की दुरुस्तगी और मुआशरत की दुरुस्तगी। अगर ये पांचों शोबों पर हम कमा हक्का हुआ अमल करेंगे तो हमारा दिन कामयाब बनेगा, वरना हमारा दिन और समझे जो है नाकिस है। मोहतरम बुजुर्ग हजरत थानवी अलैहि रहमा हमारे एक बुजुर्ग गुजरे अभी मासी करीब में। हजरत थानवी अलैहि रहमा फरमाते हैं आज मुसलमानों का हाल ये है के मुआशरत को गोया उसको दीन का शोबा ही नहीं समझते। ये हजरत थानवी अलैहि रहमा शिकवा कर रहे हैं मुसलमानों का, क्या आज मुसलमानों का हाल ये है कि हम मुआशरत को दीन का शोबा ही तसव्वुर नहीं करते। अमल करना तो बहुत दूर की बात है, मुआशरत को जानती ही नहीं है उसके। मुआशरत क्या चीज है, जिंदगी किस तरह गुजारनी है जानती नहीं आज, और जब जानती नहीं तो हम क्या करेंगे। हजरत थानवी अलैहि रहमा ने मुस्तकिल एक किताब लिखी है, इतनी मोटी है अरसम के, और उसका नाम है आदाबुल मुआशरत। हजरत थानवी अलैहि रहमा की किताब है, मिलती है अरसम के, उसका नाम है आदाबुल मुआशरत। जिंदगी गुजारने का तरीका पढ़िए, उर्दू में है अरसम के, अगर उर्दू आती है तो हासिल कीजिए और हासिल करके पढ़िए, आंखें खुलेंगी आपकी, हजरत ने क्या क्या लिखा है, हमारा हाल क्या है, हमारा अमल क्या है और शरीयत क्या कहती है। अरसल जो है पढ़िए अपनी आदाबुल मुआशरत।
हजरत थानवी अलैहि रहमा की लिखी हुई किताब। तो हजरत थानवी फरमाते हैं वो लोग जो दीनदार समझे जाते हैं, एक तो बेचारे वो हैं जो दीन से दूर हैं, उनका तो कुछ नहीं कहना, जो दीनदार तबका है, जो सौमों सलात के पाबंद हैं, हजरत फरमाते हैं, बल्कि हजरत ने फरमाया जो तहज्जुद गुजार हैं उनका हाल भी यह है कि उनकी मुआशरत खराब है, उनका हाल भी यह है कि उनकी मुआशरत खराब है और उनकी मुआशरत के असम के ठिकाने नहीं है। इसलिए मोहतरम बुजुर्ग मुआशरत ही से मुताल्लिक आज का बयान है। ये पांचवा शोबा जो है इसको हम समझते ही नहीं कि क्या चीज है और समझे मुआशरत और समझे। इसलिए मुआशरत की अहमियत को पहचाने और मुआशरत के अहकामात को जाने और उस पर अमल करने की रस्म के लिए कोशिश करें। रस्म मैंने एक हदीस अभी आपके सामने पेश की है, यह हदीस पाक तिर्मिजी शरीफ की है और तिर्मिजी जिल्द अव्वल की पहली हदीस है, दो जिल्दे हैं तिर्मिजी की, ये पहली हदीस है जहां से तिर्मिजी की सानी शुरू होती है, वो हदीस मैंने आपके सामने पेश की। हजरत अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु हदीस पाक के रावी हैं। हजरत अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु कौन है हर कोई जानता है, मुसलमान खादिम रसूल है, 10 साल नबी पाक सल्लम की खिदमत का शर्फ हासिल हुआ है, ये शर्फ किसी सहाबी को हासिल नहीं, 10 साल नबी पाक सल्लम की खिदमत की है, सफर में भी हजर में भी हम वक्त आपके साथ रहे हैं और आपके खादिम खास हैं हजरत अनस ने मालिक रजी अल्लाह तआला। हजरत अनस फरमाते हैं कि मा अकल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला खिवानी, हजरत अनस रजी अल्लाह तआला को फरमाते हैं मा अकल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला खिवानी, नबी पाक सल्लम ने पूरी जिंदगी कभी भी मेज पर खाना रख करके कुर्सी पर बैठ करके नहीं खाया। मा अकल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला खिवानी, नबी पाक सल्लम ने कभी मेज पर खाना रख करके टेबल पर खाना रख करके कुर्सी पर बैठ करके नबी पाक सल्लम ने पूरी जिंदगी रसूलुल्लाह में खाना नहीं खाया। वला सुकूजतिन, हजरत अनस फरमाते हैं नबी पाक सल्लम ने कभी तश्तरी में खाना नहीं खाया, छोटी छोटी तश्तरियां, चिनाई की प्लेटें यार समझे जिन्हें तश्तरी कहते हैं उसको, छोटी छोटी तश्तरियां और समझे जी नबी पाक सल्लम ने कभी तश्तरी में खाना नहीं खाया। वला खुबिज लहू मुरक्कुन, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कभी चपाती नहीं बनाई गई, चपाती जानते हैं पतली रोटी होती है और उसको चपाती कहते हैं उर्दू। वला खुबिज लहू मुरक्कुन, मुरक्कुन के माना चपाती, नबी पाक सल्लम के लिए कभी अरसुल ये जो है चपाती और समझे नहीं पकाई गई। एक तालिब इल्म है, उस तालिब इल्म का नाम था यूनुस, उस तालिब इल्म ने हजरत कतादा रजी अल्लाह तआला अन्हु से सवाल किया, हजरत कतादा सहाबी है, तो एक तालिब इल्म जिसका नाम यूनुस था, उस तालिब इल्म ने हजरत कतादा रजी अल्लाह तआला अन्हु से सवाल किया कि नबी पाक सल्लम के दौर में, दौरे नबवी में लोग किस तरह खाना खाते थे, किस चीज पर खाना रख करके खाते थे और किस तरह खाते थे, ये एक तालिब इल्म ने सवाल किया उस्ताद मोहतरम हजरत कतादा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से। तो हजरत कतादा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जवाब दिया कि अला हाज़िहि सुफ़री, हजरत कतादा ने बतलाया तालिब इल्म को कि चमड़े के दस्तरखान होते थे, नबी पाक सल्लम के जमाने में चमड़े के दस्तरखान होते थे, बकरा है जबा किया और समझो उसका चमड़ा जो है उसको दबाकर दे देते थे, नमक वगैरह लगा देते थे और समझो उसी को चमड़ा बना लेते थे, उसी को दस्तरखान और समझो उसी चमड़े को और दस्तरखान बना लेते, तो चमड़े के दस्तरखान होते थे वो जमीन पर बिछाया जाता था और फिर और समझे बैठ करके लोग खाते थे। ये हजरत कतादा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने तालिब इल्म को और समझे बतलाया कि अला हाज़िहि सुफ़री, चमड़े के दस्तरखान पर खाया जाता था बैठ करके। और समझे
मोहतरम बुजुर्ग, इस हदीस पाक में तीन चीजों की तरफ तवज्जो दिलाई गई। नंबर एक, पहली चीज, मा अकलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला खिवानी, नबी पाक सल्लम ने कभी मेज पर खाना रख करके, जैसे होटलों में होता है और हमारे यहाँ शादियों में आरा समझे जो है और तकलीबात में आरा समझे होता है कि कुर्सी पर बैठ करके मेज पर खाना रख करके खाते हैं। सुन लें, ये इस्लामी तहजीब नहीं, ये इस्लामी तहजीब नहीं है, ये गैरों का तरीका है। ये इस्लामी तहजीब नहीं है, ये गैरों का तरीका है। और ये तरीका कैसे चला? अव्वलन अंग्रेजों ने ऐसा लिबास पहनना शुरू किया, टाइट लिबास, कि वो जमीन पर बैठ ही नहीं सकते। ऐसा लिबास उन्होंने पहनना शुरू किया कि वो अपने लिबास को पहन करके नीचे जमीन पर बैठ ही नहीं सकते। अब मजबूरन उन्होंने कुर्सी पर बैठ करके मेज पर खाना रख करके खाना शुरू किया। तो ये चला है वहां से, अंग्रेजों से। और जब अंग्रेजों को देखा तो कर इंडिया तो गांडी है, इंडिया जो है वो तो आरा समझे नकल करती है, आरा समझे जो समझ में आवे तो भी नकल करती है, न समझ में आवे तो भी नकल करती है। तो नकल किया आरा समझे जो है। और पहले बिरादराने वतन जो है हिंदू जो है भाई, उन्होंने ये तरीका आरा समझे अंग्रेजों से अपनाया। और फिर जब ये तरीका चल पड़ा तो मुसलमानों ने भी आरा समझे, क्यों मुसलमान इससे दूर रहे, मुसलमानों ने भी ये तरीका आरा समझे जो है अपना लिया। आरा समझे यूं ये शादियों में और आरसम के जो है तकलीबात में कुर्सियों पर बैठ करके मेज पर खाना रख करके तरीका आरसम ये जो है चल पड़ा। उर्दू की कहावत है, कौवा चला हंस की चाल अपनी चाल भूल गया, कौवा चला हंस की चाल। मुसलमानों ने आरसम के गैरों का तरीका इख्तियार किया, अपनी चाल भूल गए। सुन्नत तरीका क्या है? सुन्नत तरीके को ही को भूल गए। और अब मुसलमानों का ये जहन बन गया है कि अगर नीचे बिठा करके खिलाया जाए तो अपनी शान के खिलाफ समझते हैं। हमको नीचे बिठा करके खिलाया और समझे, पालनपुर कभी आना हो तो आ जाओ और समझे पालनपुर, और समझे कभी और समझे जो है किसी जगह और समझे शादी के मौके पर कोई और समझे टेबल कुर्सी नहीं होगी, जमीन ही पर बैठ करके खिलाया जाता है। हमारे यहाँ ये लानत अभी नहीं आई है और समझिए जो है, कभी भी आप उनके देख सकते हैं पालनपुर के इलाके में और समझिए। बहरहाल ये इस्लामी तहजीब नहीं है, ये इस्लामी तरीका नहीं है, ये गैरों का तरीका है और समझे जो है जो मुसलमानों ने अपना लिया। और इसी पर अगर बस होता तो, इसी पर अगर बस होता तो और समझे फिर भी गनीमत था। पिछले जुमा में मैंने बताया था, अब तो मुसलमानों का हाल ये हुआ कि जानवरों से भी बदतर और समझे, बल्कि और समझे इंसानियत को खो दिया है। और जानवर चलते चलते खाते हैं, एक चीज यहाँ रखा, यहाँ पर एक में कुछ लिया, कुछ खाया, फिर आगे बढ़े, फिर आरसम, और इसको फैशन आरसम जी जो है मॉडर्न जिंदगी आरसम का नाम दिया जाता है। आरसम जी मोहतरम बुजुर्ग आरसम, ये इस्लामी तरीके नहीं है, इस्लामी तरीका नहीं है। दो तीन मिनट बाद जरा पूरी हो जावे। तो नबी पाक सल्लम ने कभी मेज पर खाना रख करके नहीं खाया। दूसरी इस्लामी तहजीब, इस्लामी तहजीब ये है कि अलग अलग प्लेटों में न खाया जाए। एक थाल हो, एक खुंचा हो, एक तबाक हो, एक तबाक में आओ समझे जो है, और एक थाल हो, एक खुंचा हो, उसमें सब मिल करके खाए। कभी भी अशरफिया में आ जाएं, जब खाना खाया जा रहा हो असर बाद आ जाएं, 11:15 बजे आ जाएं, बच्चे किस तरह खाते हैं, आपके यहाँ भी इसी तरह खाते होंगे, और समझे जामिया चले जाएं, अशरफिया चले जाएं, एक खुंचे में चार तालीम में बैठते हैं, खुंचा होता है बड़ा आरसम, उसको आरसम ये जो है उसमें आरसम ये चार तालीम, यही इस्लामी तहजीब है और यही इस्लामी तरीका है। अलग अलग प्लेटों में खाना और अलग अलग आरसम ये जो है तश्तरियों में खाना, नबी पाक सल्लम ने कभी तश्तरी में आरसम ये जो है खाना नहीं खाया, अलग अलग आरसम। और अब तो सूरत हाल ये हो गई है मुसलमानों की कि शादी के मौके पर कागज के बर्तन और कागज की प्लेटें और प्लास्टिक की आरा समझे जो है प्लेटें मिलती हैं। चुनाचे वो प्लास्टिक की प्लेटें और वो कागज की जो प्लेटें हैं वो इस्तेमाल की जाती हैं और समझे, और एक मरतबा खाया और खा करके फेंक दिया आरा समझे। सुन लो, इसमें माल का जिया है, ये माल को बर्बाद करना है। एक मरतबा आरा समझे आपने खाया और खा करके फेंक दिया आरा समझे जो है, ये माल को बर्बाद करना है।
कल कयामत के दिन पूछ होगी या रसूल जी अपने माल को क्यों बर्बाद किया, ये पूछ होगी या रसूल जी। और अगर हर आदमी अलग अलग प्लेटों में खाएगा और कागज की प्लेटें ही होंगी तो फिर कितने बर्तन धोएंगे या रसूल जी, घर वाले धोते धोते या रसूल जी जो है थक जाएंगे। इसलिए शरीयत ने यह कहा कि एक कुलचा हो बीच में रख करके या रसूल जी खाएं या रसूल जी। और चौथी बात और तीसरी बात, वला खुबिज़ लहू मुरक्कबुन, नबी पाक सल्लम के लिए कभी चपाती नहीं पकाई गई। हजरत सहल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक सहाबी है, हजरत सहल से पूछा गया कि क्या नबी पाक सल्लम के जमाने में छलनियाँ होती हैं, आटा छानने की छलनी होती है, तो क्या नबी पाक सल्लम के जमाने में छलनियाँ होती थी? हजरत सहल ने फरमाया नबी पाक सल्लम के जमाने में हमारे जमाने में छलनियाँ नहीं होती। तो फिर साहिब ने सवाल किया कि नबी पाक सल्लम के ज़माने में तो जौ की रोटी खाई जाती थी और जौ में तो छिलके होते हैं, जब जौ को पिसवाएंगे तो उसमें तो छिलके होते हैं। तो हजरत साहब फरमाते हम फूंक मार देते थे आटे में, जितने छिलके उड़ गए और बाकी को रसम जी गोंद लेते थे। और ये थी सादा मुआशरा था, सादा मुआशरा था रसम जी, नबी पाक सल्लम का मुआशरा सादा मुआशरा, तकल्लुफात वाली जिंदगी नहीं थी। अब मुसलमानों की जिंदगियां अरा समझे तकल्लुफात वाली अरा समझे बन गई। सादा मुआशरे में जो अरा समझे खूबियां हैं वो अरा समझे तकल्लुफात वाली अरा समझे जो है, अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अरा समझे जो है सुन्नतों के इत्तेबा की तौफीक अता फरमाए और इस्लामी तहजीब को इख्तियार करने की अल्लाह हमें तौफीक बख्शे और गैरों के तरीक़े को अपनाने से अल्लाह हमें बचाए।